पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा चुनाव जो है अब नजदीक है, मंथन का दौर भी जारी है। तमाम दलों के जो नेता है अपने अपने कार्यकर्ताओं को मंथन दे रहे हैं। तो वहीं अब सीएम नीतीश की कल एक बैठक होने वाली थी। आपको बता दें कि 18 जुलाई को सीएम नीतीश एक अहम बैठक करने वाले थे, लेकिन ये बैठक की तारीख बदलकर अब 19 जुलाई कर दी गई है। सीएम सचिवालय के कैबिनेट हॉल में सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी। वहीं बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगेंगे। आपको बता दें, पिछली बैठक 22 जून को जो बैठक हुई, तो उसके बाद एक बैठक और हुई, उसमें भी काफ़ी अहम मुद्दों पर, एजेंडों पर मुहर लगी। तो वहीं चार जिलों में मेट्रो की सुविधा के लिए भी सीएम नीतीश ने, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अनुमति से सीएम नीतीश ने इस प्रस्ताव को आगे रखा। तो अब कल जो बैठक होने वाली थी, उसकी बैठक की डेट बदल के 19 जुलाई हो गई है। दरअसल बिहार कैबिनेट की बैठक के लिए पहले मंगलवार का दिन निर्धारित था, लेकिन अलग अलग कारणों से मंगलवार की जगह कैबिनेट की बैठक किसी भी दिन बुलाई जाने लगी। मंगल की जगह अब कैबिनेट की बैठक किसी भी दिन हो जाती है। आगामी 19 जुलाई यानी शुक्रवार को मुख्यमंत्री के कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, यानी कि परसों। विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा में 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य सीएम ने रखा है। वहीं बता दें, किसी भी हाल में नीतीश अपने वादे से पीछे नहीं हटना चाहते और अपने वादे को पूरा कर लेना चाहते। कभी राज्यसभा भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं, तो कभी पुल पुलिया के अधिकारी जो निर्माण, उनके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं कि ये काम जल्दी से पूरा कर लीजिए। तो अब इसी दौर में सीएम नीतीश जो है बैठक कर रहे हैं, किस तरीके से 12 लाख लोगों को रोजगार दिया जाए और नौकरी दी जाए। सीएम नीतीश जनता के लिए अपने वादे को पूरा करने के बाद ही चुनावी मैदान में लोगों के सामने जाकर वोट मांगने के पक्ष में रहेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि शुक्रवार को होने वाली बैठक में बिहार में नौकरी पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इससे पहले 12 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, इसमें कुल 48 एजेंडों पर सरकार ने अपनी मुहर लगाई थी। तो उसके पहले जो था वो सरकार ने कुछ 22 एजेंडों पर मुहर लगाई थी। तो अब 12 जुलाई को बैठक में सरकार ने 48 एजेंडों पर मुहर लगाई। तो वहीं परसों जो है नीतीश कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उस बैठक में सीएम नीतीश क्या कुछ अहम फैसले लेते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि रोजगार से जुड़े फैसले, सरकारी नौकरी से जुड़े फैसले सीएम नीतीश इसमें ले सकते हैं। तो अब क्या कुछ फैसले होंगे, परसों जो है 11 बजे से मीटिंग शुरू होगी सचिवालय में। अब इससे मिलकर तमाम जो भी खबरें हैं लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।